आदर के योग्य जिनसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। यार आगे से जा यार, तुझे बाद में खींचना ना और आगे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी, आदरणीय श्री तापिर गांव जी, श्री बलवीर पुंज जी, श्री रामलाल जी, श्री श्याम जादू जी, श्री रामेश्वर प्रसाद जी, श्री संजय पासवान जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय कलदार जी, सरिता राय जी, वाणी जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी MLA, आदरणीय श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री अनिल जैन जी और हमारे जो इस संयोजन के हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर हजारों की संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हैं। एक बार हाथ खड़ा करके जोर से बाबा साहेब का नारा जोर से लगाएंगे, बोलिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी की। इतने सच्चे मन से लगा है। अच्छा आप सब लोग बोलेंगे अमर रहेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर। एक बार और बाबा भीमराव अंबेडकर। मुझे नहीं मालूम कब मेरे को इस कार्यक्रम की संरचना हुई, या तो बाबा भीमराव अंबेडकर मेरे को रात को उन्होंने दर्शन दिए, या मेरे को दलितों के प्रति एक नया मोह जागा, या मुझे लगा कि ये लोग सब हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत चाहते हैं पर बरसों से लोग अन्य पार्टियों के साथ जुड़े रहे इस आशा के अंदर, खासतौर से कांग्रेस के साथ इसलिए जुड़े रहे कि लोगों को यह लगा कि शायद कांग्रेस उनको कुछ देगी। 64 वर्ष के राज के अंदर कांग्रेस ने दलित वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो धानक हो, चाहे वो रैगर हो, चाहे वो दूसरे समाज हो, वे सब समाज पिछड़े के पिछड़े रहे और केवल उनको आरक्षण की बात की गई। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी केवल आरक्षण नहीं चाहती, आरक्षण के साथ साथ दलित वर्ग के लिए मान सम्मान और सत्ता के अंदर भागीदारी भी चाहती है। दोस्तों बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब वो थे जिन्होंने दलित वर्ग के लिए काम किया, बाबा साहब वो थे जिन्होंने शिक्षा की बात की, बाबा साहब वो थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब वो थे जिन्होंने हमको ये सिखाया कि दूसरों की मदद किस तरह से की जाती है। केवल बाबा साहब ने महर्षि व्यास की, जिन्होंने हमको राम से मिलाया, जिन्होंने राम की संरचना की। इस महर्षि वाल्मीकि का एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की। रविदास, कबीर, गुरु नानक, ये सब वो लोग थे जिन्होंने, वे महापुरुष थे जिन्होंने इस देश को नई दिशा दिखाई। मैं कितने महापुरुषों का नाम लूं, बोलिए रविदास जी की। हम सब लोग उनके अनुयायी हैं। आज आप लोगों के बीच में सब वर्ग के लोग भोजन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय ये 10,000 से लोग हमने बुलाए थे, आज यहाँ 20,000 लोग उपस्थित हो गए। शायद खाना कम ना पड़ जाए इसकी हमको चिंता हो रही है, पर आप जानते हैं ये सीता की रसोई है जो कभी कम पड़ने वाली नहीं है, इसलिए सब लोगों के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा के अंदर होगा। और मैं जानता हूँ आप सब लोग सहयोग करेंगे। जब मैं राजनाथ जी से बात कर रहा था कार्यक्रम की, तो उन्होंने कहा कि केवल भाषण नहीं, केवल वादे नहीं, केवल नारे नहीं, ठोस काम करना होगा। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश से घोषणा की है, किसी भी दलित वर्ग के भाई बहन को पहली कक्षा से लेकर IAS तक की कोई भी किताब मुफ्त चाहिए हो, भारतीय जनता पार्टी उसको मुफ्त उपलब्ध कराएगी। जोरदार तालियां इसके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी उसको उपलब्ध कराएगी। जब मैं ताली बजाने के लिए कहता हूँ तो इसलिए कहता हूँ कि मेरा जो प्रण है वो और भी पक्का हो जाए, वो मैं इसलिए कहता हूँ ताकि हमें एक नया उत्साह आए, वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि दलित वर्ग के लिए हमें और आगे करना है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है किसी भी दलित बस्ती के अंदर कोई भी मेडिकल कैंप लगाना हो, किसी को भी मेडिकल सहायता चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आपको मेडिकल कैंप लगाएगा और सरकारी अस्पतालों में कोई भी जरूरत होगी डॉक्टरों के पास जाकर आपको मदद दिलाएगा। ये केवल घोषणाएं नहीं है, आप में से कोई भी व्यक्ति हमारे पंथ मार्ग स्थित कार्यालय पे आएगा, किसी को किसी तरह की मदद की जरूरत होगी हम करेंगे। तीसरी घोषणा हमने की है, दलित वर्गों के लोगों में 10 छात्रों के बीच में अगर किसी को ट्यूशन चाहिए होगी तो उन 10 छात्रों को जो टीचर ट्यूशन देगा उस ट्यूशन का खर्चा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश उठाएगी। एक बार जोर से बोलिए दोनों हाथ उठा के,
भारतीय जनता पार्टी और जोर से भारतीय जनता पार्टी श्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के अंदर किसान का बेटा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके बाद केंद्र में मंत्री, जो उन्होंने हमें राह दिखाई है। आदरणीय सुषमा जी लोकसभा में विपक्ष की नेता, वे हमेशा हमें कहती है ठोस काम करके दिखाइए। इसलिए दोस्तों मैं अधिक लंबा ना कहते हुए मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हम दलित वर्ग को गले लगाना चाहते हैं, हम अपने हरिजन भाइयों को गले लगाना चाहते हैं, हम अपने सफाई कर्मचारी के भाइयों को गले लगाना चाहते हैं। इस बार जब विजय गोयल ने दिवाली मनाई तो वो दिवाली उसने दलित वर्ग के वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मनाई थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये आज नहीं मनाई थी, आज से कुछ महीने पहले मनाई थी। आज अमेरिका जानती है बाबा साहब ने हमको बहुत सारी प्रेरणा दी है। मैं आप लोगों के इतनी बड़ी संख्या में देखकर गदगद हूँ, उत्साहित हूँ, मेरे अंदर उत्साह आता है और मुझे लगता है कि मुझे और भी आप ज्यादा वर्ग के लोगों के लिए काम करना चाहिए। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, हिम्मत से एक पत्थर तो उछालो यारो, आसमान में भी हम लोग छेद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी भाई को कभी भी किसी भी जरूरत पड़ जाए किसी भी अस्पताल में तो हमको याद कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं से जिन्होंने हमको बहुत मेहनत करके ये प्रयास किया है, क्योंकि मेरे अकेले के ये भूते की बात नहीं थी। ये संगठन पिछले 40 सालों से खड़ा है और इन संगठन को खड़े होने में हमारी पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर सहयोग किया था। ये जो मंच पे सारे नेता बैठे हैं इन्होंने अपना खून पसीना बहाया था, मैंने तो सिर्फ आपके बीच में उत्साह भरने का कार्यक्रम किया है। और एक बात कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आज मौका है, विजय गोयल ने कहा है कि हमारी अम्बेडकर जयंती उस दिन मनेगी और जोर से जब मैं बिजली के दाम 30% कम करके दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी आपके पास। बिजली का दाम 30% कम करेंगे 2013 के अंदर जब सत्ता आएगी हमारी, 2013 में जब हमारी सत्ता आएगी तो समझ लीजिए घर घर तक हम पानी को पहुंचा देंगे। दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, दिल्ली में पानी के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है। चाय बनाने की कॉलोनियां हो जिसमें 40 लाख लोग रहते हैं, चाहे वो गांव हो जिनके अंदर 10 लाख लोग रहते हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो जिसमें 30 लाख लोग रहते हैं, चाहे वो स्लम हो जिसके अंदर 10 लाख लोग रहते हैं, हम हर वर्ग के लिए काम करेंगे। और समझ लीजिए बात को, इस शीला दीक्षित की जो भ्रष्टाचार और महंगाई वाली सरकार है उसको हम उखाड़ के फेंक देंगे। मैं ये लोग आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपका आशीर्वाद चाहिए। और आप जानते हैं पूरे देश के अंदर आज जिस तरह का माहौल है, लोग बीजेपी की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो सत्ता के अंदर सही स्थान पर लाए, सही लोगों को लेकर आएगी और हम आपके लिए भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। इसलिए दोस्तों कहता हूँ, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अधिकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूँ, तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की अंदर तकलीफों की मेरी लौ को टिका तो सकती है लेकिन बुझा नहीं सकती, लेकिन बुझा नहीं सकती, लेकिन बुझा नहीं सकती। जय हिंद जय भारत।